वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज मैं एवरी फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच लेके आया आपके सामने, जो कि कॉलिंग साथ में इंटरनल स्टोरेज, मेनली इंटरनल स्टोरेज और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन इसमें मिलता है। वो सारी की सारी वॉचेस हैं, एवरी स्मार्ट वॉच विद इंटरनल मेमोरी और बर्ड्स को पेयरिंग का ऑप्शन, जो कि फायरबोल्ट की अभी तक आई है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वॉचेस हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है और कौन सी वॉच सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। क्या किसी वॉच में रिकॉर्डर मिलेगा, आपको वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो? क्या किसी वॉच में वॉइस असिस्टेंट भी साथ में मिलेगा? क्या उसमें कॉलिंग भी होगी, एमोलेड वॉच भी होगी? क्या सिर्फ फिटनेस ही वॉच होगी? तो सब कुछ हम देखने वाले हैं यहाँ पे। वैसे आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की न्यू वीडियोस जो यूट्यूब पे नहीं है अवेलेबल, वो आप सभी के लिए लाता रहता हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को, और सारी की सारी वॉचेस की बेस्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको वहीं से ही जाके बाय करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और उसी के साथ साथ स्टार्ट करने से पहले, आप अगर इसमें से कोई वॉच बाय करना चाहते हो तो हमारे से कनेक्ट कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मेरे को सेल करनी है कुछ वॉचेस, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो और नॉमिनल डिलीवरी चार्ज रहेंगे और आप तक पहुंच जाएगी और डिस्काउंट भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई नो मैक्सिमम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ढूंढते हैं कि इंटरनल स्टोरेज और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन वाली वॉचेस कहाँ पे मिलेंगी और सबसे ज़्यादा फीचर्स किस में होंगे। तो आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो वैसी वॉचेस बहुत कम अवेलेबल हैं। अगर मैं अदर ब्रांड्स की बात करूँ, जैसे कि नॉइस की बात करूँ, बोट की वॉच की बात करूँ, एम्ब्रेन की बात करूँ, टैक की वॉचेस की बात करूँ, तो वहाँ पे बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आती है फायरबोल्ट। फायरबोल्ट की प्रोडक्ट लाइन में ना कम से कम 6 वॉचेस हैं जो अभी तक की फायरबोल्ट ने लॉन्च की, जिसमें इंटरनल मेमोरी और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन मिलता है और इवन रिकॉर्डर का ऑप्शन भी मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए। और अगेन गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। यहाँ पे मैंने सारी की सारी वॉचेस आपको यहाँ पे लगा रखी हैं, जो मेला कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सबसे महंगी से सबसे सस्ती वॉच की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे महंगी जो वॉच है यहाँ पे फायरबोल्ट की, वो है यहाँ पे ये रही। इसका मैंने स्ट्रैप भी चेंज किया, देख सकते हो स्ट्रैप भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देख सकते हो जो स्ट्रैप है आपका, ये है आपका लेदर वाला टाइप का, और इसमें जो स्ट्रैप आता है एक और आता है, मतलब ब्राउन कलर का। बट यहाँ पे मैंने ये बाय किया है, ये अमेज़ॉन से बाय किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अगर आपको बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फीचर्स आते हैं इस वॉच में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलती है पहली बात तो, और दूसरा यहाँ पे 100 स्पोर्ट्स मोड, 100 वॉच फेसेस इन द वॉच इटसेल्फ, कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है। और गाइस इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेन्यू में जाते हो तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलता है। यस, इसमें कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब कॉल को नहीं, अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हो इसमें। ये बहुत ही अच्छी बात है। वो करने के लिए आपको ये जो है, रिकॉर्डिंग नीड्स टू डिस्कनेक्ट ब्लूटूथ एंड स्टॉप म्यूजिक। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, उसके लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको लोकल म्यूजिक पे जाना पड़ेगा, देन ओनली आपका कॉलिंग वाला फीचर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं, मतलब इसमें वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है, इसमें आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है। बट गाइस इसमें गेम्स नहीं मिलते, ये थोड़ा सा है कहीं ना कहीं, गेम्स देने चाहिए थे इसमें। तो इनविंसिबल में आपको गेम्स नहीं मिलते, बट यहाँ पे कैलकुलेटर जरूर मिल जाता है, कैलकुलेटर और रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। बट इसका जो प्राइस है अभी 6,000 रुपये चल रहा है, 5,999 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ये वॉच चल रही है। आप इसको ग्रैब कर सकते हो और कम प्राइस में बाय करनी है, रिन्यूड आपको मिल जाएगी 5,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, और इस तरीके से आपको फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो इसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। ये आपके किस रिस्ट के लिए बेटर है, मैं अपने रिस्ट पे पहन के दिखाता हूँ आपको। ये आपके लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट है, थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी, मैं स्ट्रेट अवे कह सकता हूँ आप सभी से, थिन रिस्ट के लिए वॉच नहीं है। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज भी इसका बड़ा मिलता है, 1.39 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। ठीक है, थोड़े से बॉर्डर्स यहाँ पे हैं साइड साइड में, बट अगेन प्रीमियम लगती है, लुक और फील इसका प्रीमियम आता है। ठीक है, मेटल का बेल्ट है, बेस पॉलीकार्बोनेट है, एक्यूरेसी इसकी 70-75% तक की देखने को मिल जाती है। यह है तो 2021 की वॉच, बस अभी भी यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स को पैक करती है। 8GB इंटरनल मेमोरी के साथ अदर कोई ब्रांड नहीं प्रोवाइड कर रहा है अभी तक ये इस तरीके की वॉच। ठीक है, तो इसको मैं सबसे महंगी और सबसे नंबर 1 रखना चाहता हूं यहां पे, फायरबोल्ट की इनविंसिबल। अब आती है उसके बाद जो उससे कम प्राइस में अवेलेबल है, जो है हमारी इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में क्या मतलब डिफरेंस है, इन्फिनिटी आपको सेम फीचर्स मिलती हैं इन्विंसिबल की तरह, 100 स्पोर्ट्स मोड, 100 वॉच फेसेस यहाँ पे मिल जाते हैं, बट इसमें डिस्प्ले बड़ी दी गई है, डिस्प्ले इसी सबसे बड़ी है इन दिस सेगमेंट। और ये गाइस लार्ज रिस्ट के लिए ही बेटर है, मीडियम रिस्ट पे भी अजीब लग रही है, बड़ी लग रही है, देख सकते हो यहाँ पे मेरे मीडियम रिस्ट पे बड़ी लग रही है, बट चल जाएगी, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं चल पाएगी, चल रही है, मेरे मीडियम रिस्ट पे भी चल जाएगी। मेरे रिस्ट 5.5 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ पे वॉच अच्छी है, फीचर्स से पैकड मिलती है, और इससे जो ब्लूटूथ वर्जन है इसमें थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, जिसकी वजह से डिस्कनेक्शन जो इश्यूज होते हैं बहुत ही कम है इसमें। इन्विंसिबल में थोड़े से मिलते हैं आपको, इसमें बहुत ही कम मिलते हैं डिस्कनेक्शन इश्यूज। और यहाँ पे आपको 4GB स्टोरेज मिल जाता है, तो 4GB में अराउंड आप 500-600 सॉन्ग्स को रख सकते हो, इसमें करीब करीब 1,000 से ऊपर सॉन्ग को रख सकते हो। तो ये इसमें थोड़ा सा
कॉस्ट कटिंग की गई है, बट ये कम प्राइस में भी मिल रही है, 1000 रुपये कम में मिल रही है आपको, 4999 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है। बट अगर ये वॉच आपको 4200 रुपये में चाहिए रिन्यूड आइटम, तो आप ग्रैब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वैसे न्यू चाहिए तो न्यू का भी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लुक ऑफ फील अच्छा है, मेटल की फिनिशिंग है, 3 बटन कंट्रोल मिलते हैं आपको इसमें, रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है जो कि आपको इनविजिबल में नहीं देखने को मिलता है, और कॉलिंग फैसिलिटी तो है ही। अदर मैं फीचर्स की बात करूँ, यहाँ पे टन्स ऑफ फीचर्स दिए गए हैं, बट यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसमें देना चाहिए था, बट यहाँ पे गेम्स ऐड कर दिए गए, रिकॉर्डिंग हटा के गेम्स दे दिए गए इसमें, बट इसमें आपको गेम्स नहीं मिलते हैं इनविजिबल में। तो यहाँ पे गेम्स आपको 5 गेम मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे न्यू गेम्स भी अटैच कर रखे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ में ये आगे निकल जाती है फायरबोल्ट की इनविजिबल। बट अगेन गाइज एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, वही थोड़ा सा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन इसमें भी देखने को मिल जाता है। बट अगर एमोलेड होता तो और भी एडेड एडवांटेज हो जाता, मेरे को भी मतलब लग रहा है कि एमोलेड देना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ये रखता हूँ मैं सेकंड नंबर पे महंगी वॉच में, खासकर फायरबोल्ट की। उसके बाद कौन सी वॉच आती है, उसके बाद आती है हमारी थंडर, ठीक है। थंडर का प्राइस वैसे 4000 रुपये रहता है, थंडर और ये जो विजनरी है सेम प्राइस में फॉल करती है, बट सर्कुलर डायल में ही लेते हैं अभी। यहाँ पे थंडर ये वाली नहीं है एक्चुअली, थंडर है हमारी ये वाली, ये है फायरबोल्ट की थंडर, और इसमें आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाती है यहाँ पे करीब करीब 128 MB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा सॉन्ग्स को नहीं, अप टू 20 सॉन्ग्स को या 18 सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो। पुरानी वॉच है फायरबोल्ट की, 2020 या 19 का मॉडल है, शायद 2020 का मॉडल है ये। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ वो छोटा, 1.32 इंचेस की डिस्प्ले है, तो लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए परफेक्ट ये वॉच है। थिन रिस्ट पे भी चल सकती है वॉच, यस चल सकती है वॉच, अब मैं एकदम कंफर्म नहीं कह सकता, बट थिन रिस्ट पे चल सकती है। मेटेलिक बिल्ड है, लुक और फील बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आता है इस वॉच का, और 2 बटन कंट्रोल मिल जाते हैं, डेडिकेटेड सेंसर के साथ ये वॉच आती है। यहाँ पे आप इसका जो केबल है कनेक्ट करके सॉन्ग्स को डाल सकते हो थ्रू OTG या लैपटॉप के थ्रू। अब यहाँ पे मैं बात करूँ फीचर्स की, तो यहाँ पे फीचर्स तो आपको भर के मिलते हैं इसमें, ये भी अच्छी बात है, इसमें फीचर्स में कटौती नहीं करी गई है, सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं, और बस इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसिंग है। मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं तो गेम्स मिल जाते हैं, और अलार्म टाइमर ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बट इसमें कैलकुलेटर मिसिंग है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, और इसमें गेम्स मिल जाते हैं, कैलकुलेटर इसमें मिसिंग है, ठीक है। और इसमें डबल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है, सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें आपको, और इसमें मोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे इन दोनों में मोड चेंज कर सकते हो आप रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे, बट यहाँ पे जो आपका थंडर है इसमें आप मोड को चेंज नहीं कर सकते, तो इसको मैं रखता हूँ थर्ड नंबर पे। और ये आपको अराउंड 3500 से 4000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाती है, बेस्ट वैल्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रिन्यूड आइटम बाय करना तो और कम प्राइस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक आपको, 2500 से 3000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में पड़ जाती है रिन्यूड आइटम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये तो सारी एमोलेड डिस्प्ले वाली ही वॉच मैंने दिखाई, एक और एमोलेड डिस्प्ले लेते हैं, फिर उसके बाद एलसीडी डिस्प्ले ले लेंगे, एलसीडी टीएफटी दो जो बचेंगे। यहाँ पे फोर्थ वॉच आती है हमारे पास फायरबोल्ट की विजनरी। देखिए यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वॉच रही थी, इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, और कमाल की वॉच है वैसे भी, आज भी मतलब बहुत ही बिक रही है, अच्छा खासा यहाँ पे रेटिंग मिली हुई है Amazon पे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, टन्स ऑफ वॉच फेस मिल जाते हैं, और साथ में अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। एप्पल की एकदम कॉपी लगती है वॉच, देख सकते हो यहाँ पे, और रोटेटिंग क्राउन मिल जाते हैं, इस तरीके से नीचे बटन मिल जाती है, एप्पल वॉच सीरीज 5 की कॉपी लगती है एकदम ये, और आपके लास्ट टू मीडियम टू थिन दोनों रिस्ट पे चल जाती है वॉच, यस गाइस। और थोड़ी सी मोटी है आई नो यहाँ पे, बट अगेन लुक और फील बहुत ही प्रीमियम आता है इस वॉच का। बेजल्स थोड़े से मोटे हैं, 1.78 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, बट अगेन अगर मैं फीचर्स को यहाँ पे चेक करूँ तो टन्स ऑफ फीचर मिलते हैं, इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, बड्स को पे कर सकते हो यहाँ पे। इन सबसे अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा लाउडनेस आपको इसमें मिलती है, उसके बाद लाउडनेस इसमें मिलती है, फिर मिलती है, फिर उसके बाद 360 प्रो कह सकते हो या थंडर में मिलती है लाउडनेस। तो लाउडनेस यहाँ पे सेकंड नंबर पे आती है इसकी लाउडनेस अच्छी मिलती है, बट यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, गेम्स नहीं मिलते हैं। मेरे यूनिट में गेम्स नहीं है, बट अभी जो यूनिट्स डिस्पैच हो रहे हैं आ रहे हैं अमेजोन से, उसमें गेम्स भी अवेलेबल हैं, तो चेक कर लेना गाइस, क्या पता आपके यूनिट में गेम्स हो। वैसे फिलहाल तो टॉप ऑफ द लाइन वॉच है, ये आपको मिल जाती है 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में ऑन ऑफर, कभी कभार 3799 में भी पड़ जाती है, 3800 रुपये की पड़ती है, बट अगर आप रिन्यूड चाहते हो लेना इसको तो 3100 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा इस वॉच की। अब गाइस लास्ट की जो दो वॉचेज है वो बच रही हैं, ठीक है, ये आ जाती है सेकेंड लास्ट पे। तो ये फायरबोल्ट की 360 प्रो, 360 और 360 प्रो में यही अंतर है कि इसमें आपको जो इंटरनल मेमोरी वो मिल जाती है, इसमें आपको मेमोरी मिलती है 512 MB, यस। यहाँ पे आप करीब करीब 100+ सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, 512 MB मिल जाती है, बट एक चीज़ का फ्लॉ है इसके अंदर, वो है एमोलेड डिस्प्ले नहीं है इसके अंदर। एमोलेड डिस्प्ले होती तो और कमाल हो जाता है यहाँ पे। और गाइस हम सेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे गेम्स भी मिल जाते हैं इसमें आपको, ठीक है, बट गाइस एक चीज़ और मिसिंग है इसमें, वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम यूट्यूबर नहीं बताते हैं यहाँ पे, वो मैं बताता हूँ आपको, इसमें वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता आपको, यस गाइस इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता, बट इसमें एक एडेड एडवांटेज है जो कि है ब्लड प्रेशर मॉनिटर और टेम्परेचर मॉनिटर मिल जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर का डेडिकेटेड सेंसर है। फायरबोल्ट की इंटरनल मेमोरी और कॉलिंग फैसिलिटी वाली वॉच है ही नहीं कोई जिसमें टेम्परेचर मॉनिटर हो, तो एक ही वॉच है ये 360 प्रो, बट इसमें लैकिंग है फीचर कैलकुलेटर, और इसमें वॉइस असिस्टेंट नहीं देखने को मिलता है, तो ये इसका फ्लॉ है, नहीं तो वॉच अच्छी है ये। लास्ट मीडियम टू
लास्ट मीडियम रेंज के लिए चल जाएगी, थिन रेंज पे थोड़ी सी बड़ी लगती है, ये थोड़ी थंडर से बड़ी है वॉच, ठीक है। और ये प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है 2500 से 3000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाती है। इसकी बेस्ट बेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे ये आ जाती है वॉच, फायरबोल्ट की बीस्ट प्रो है ना। बीस्ट प्रो वॉच अच्छी है लास्ट मीडियम टू थिन रेंज के लिए अच्छी है, क्योंकि 1.69 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और स्लीक वॉच है, लुक और फील अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा इसका डिज़ाइन चला था जब भी आई थी। इसमें आपको 120 एमबी इंटरनल मेमोरी मिलती है, 120 या 125 कुछ एमबी। यहाँ पे भी आप 18 सॉन्ग्स तक स्टोर कर सकते हो, टॉर्च लाइट सब चीज़ मिल जाती है। और इस तरीके का यूआई आपको अभी भी वॉचेस में देखने को मिल जाएगा। वैसे फिलहाल इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, अच्छे मिलते हैं। और एक फीचर बहुत ही अच्छा है इसके अंदर, वॉइस असिस्टेंट गेम्स ही मिल जाते हैं इसमें आपको, कैलकुलेटर नहीं मिलता है इसमें आपको। बट सबसे अच्छा जो फीचर है ना इसमें, वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। यस, इसमें आप वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, ये देखो। तो यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये मेरे को कमाल की बात लगी डेफिनेटली इसमें, जो कहीं ना कहीं महंगी महंगी वॉचेस में अवेलेबल होता है, इसमें भी दिया गया है। एक ही वॉच में वॉइस रिकॉर्डिंग मिलता है जो है आपका इनविंसिबल, उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है फायरबोल्ट की बीस्ट प्रो में, ठीक है। ये वॉच आपको 2500 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है। अगर आप रिन्यूड बाय करना चाहते हो तो 2000 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। मेटल का बिल्ड है, लुक और फील अच्छा है इसका, लास्ट मीडियम टू थिन रेंज के लिए परफेक्ट की वॉच रह जाती है। अब यहाँ पे कंक्लूजन टाइम आता है, यहाँ पे मैंने सम अप तो नहीं किया, अभी सम अप कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे बेस्ट यहाँ पे फायरबोल्ट की वॉच जो मैं कहूँगा, एक चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो है वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और एमोलेड डिस्प्ले। बट ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, बट ये लार्ज रिच के लिए बेटर है, तो इसको मैं नंबर 1 पे रखना चाहता हूँ। 5000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है फायरबोल्ट की इन्फिनिटी, ठीक है। आप इसको ग्रैब कर सकते हो अभी आई है फिलहाल ये, तो इसको मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। और कमाल की वॉच है कह सकते हो आप, बहुत ही, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी 2nd नंबर पे एमोलेड डिस्प्ले वाली। यस, महंगी है, प्रीमियम भी वॉच है, 8GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, इन सब किसी भी वॉच में नहीं मिलती। इवन कोई भी ब्रांड आप उठा लो, 8GB इंटरनल स्टोरेज आपको कोई भी ब्रांड 6000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में नहीं दे रहा है, तो ये आपको मिल जाती है। बैंक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप 5999 की बाय करते हो तो 599 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको क्रेडिट कार्ड से। SBI पे चल रहा है, गाइस चेक कर लेना आप। तो लुक ऑफ फील अच्छा है, वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, कैलकुलेटर मिल जाता है, और बस कमी है गेम्स की, गेम्स नहीं मिलते इसमें, वरना तो वॉच कमाल की है, ठीक है। और इसको आप ग्रैब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। 2nd नंबर पे रखता हूँ मैं इनविजिबल को। 3rd नंबर पे हम रख देते हैं यहाँ पे थंडर को, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है। बट उससे पहले मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे ये वाली थंडर को साइड करके, ये है फायरबोल्ट की विजनरी, 3rd नंबर पे रखता हूँ। लुक और फील एप्पल का मिलता है आपको, सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे कवर्ड है। इंटरनल मेमोरी 128 एमबी मिल जाती है, यहाँ पे 18 सॉन्ग्स तक को स्टोर कर सकते हो, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। इसको रखता हूँ मैं 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे हमारी आती है थंडर, थंडर वॉच अच्छी है अगेन। इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, बट इसमें आपको गेम्स मतलब कैलकुलेटर नहीं मिलता है इसमें, तो कैलकुलेटर की कमी है इसके अंदर, तो वही है, वरना तो वॉच अच्छी है ये भी। बट अगेन थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत है, तो 4th नंबर पे हम रखते हैं यहाँ पे फायरबोल्ट की थंडर को। वॉच कमाल की है गाइस इसमें, और कैलकुलेटर नहीं मिलता, ये थोड़ा सा फ्लो है इसके अंदर, और मोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। बट वॉच अच्छी है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है, सर्कुलर डायल में फायरबोल्ट की जो वॉच है ये, और 2 बटन्स मिल जाते हैं, मेटल का बिल्ड है, लुक और फील बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, लास्ट मीडियम और थिन रिस्ट तक के लिए ये वॉच कमाल की बन जाती है, तो इसको रखता हूँ मैं 4th नंबर पे। 5th और 6th नंबर पे यहाँ पे वही 2 वॉच आती हैं। अब इन दोनों में से आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हो। अब जिसको सर्कुलर डायल में चाहिए तो वो ये ले सकता है 360 प्रो, इसमें आपको 512 MB इंटरनल मेमोरी जाती है, और साथ में टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन यूनिक मिलता है इसमें चीज़, जो कि इन सबसे किसी वॉच में नहीं है अवेलेबल, तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे 5th नंबर पे। लास्ट नंबर पे ये रहती है, ये हमारी फायरबोल्ट की बीस्ट प्रो। बीस्ट प्रो कमाल की वॉच है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इन सब वॉचेस में सिर्फ एक ही में मिलता है, जो सबसे महंगी वॉच है, उसके बावजूद भी इसमें दिया गया है, तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। और ये आपको 2500 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाती है, इसको मैं रखता हूँ 6th नंबर पे। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।